हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हिंदी वर्डप्रेस। दोस्तों, अगर आप एक ब्लॉगर हैं और आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वर्डप्रेस में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं सभी के सॉल्यूशन हम अपने वीडियोस में लाते हैं। फिलहाल दोस्तों, बात करने वाले हैं व्हाट इज बैकलिंक्स और ये कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी वेबसाइट है तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा और आप लोग जानते भी होंगे कि बैकलिंक्स क्या होता है, लेकिन डिटेल में आपको नहीं पता बैकलिंक्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कहां पर हम इनको यूज करते हैं और इनका क्या वैल्यू है एसईओ के अंदर। यही सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि बैकलिंक्स क्या होता है, लेकिन उससे पहले बैकलिंक्स के बारे में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ये जान लेते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे व्हाट इज बैकलिंक्स और व्हाई बैकलिंक्स आर इंपोर्टेंट। ये इंपोर्टेंट क्यों होते हैं हमारी वेबसाइट के लिए, क्या रोल है इनका हमारे एसईओ में, और वेयर कैन वी क्रिएट, हम कहां पर बैकलिंक्स बना सकते हैं, हाउ कैन वी क्रिएट, हम कैसे बैकलिंक्स बना सकते हैं, और टाइप ऑफ बैकलिंक्स यानी बैकलिंक्स के कितने प्रकार होते हैं, इन्हीं सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज बैकलिंक्स। तो दोस्तों, हम आपको बता दें बैकलिंक्स का मतलब होता है सजेशन। अगर हम अपने आर्टिकल में किसी अदर वेबसाइट का लिंक देते हैं तो उसको बैकलिंक बोलते हैं। ऐसे ही अगर हमारी वेबसाइट का लिंक किसी अदर वेबसाइट में या हमारी वेबसाइट के किसी आर्टिकल का लिंक आपको अदर वेबसाइट में मिलता है तो उसको बैकलिंक्स बोलते हैं। तो इस तरह से बैकलिंक क्रिएट होता है, या बैकलिंक का मतलब ये समझ लीजिए कि सजेशन, यानी हम अपने आर्टिकल में किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ये वाला आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, तो उसको बैकलिंक बोलते हैं। अब आप समझ गए होंगे, मैं आपको कुछ दिखा देता हूं यहां पर सैंपल कि बैकलिंक्स किस तरह के होते हैं। जैसे मैं गूगल पर जाता हूं, यहां टाइप करता हूं बैकलिंक्स क्या होता है, तो यहां पर कोई भी वेबसाइट अगर ओपन होती है तो उस वेबसाइट में आपको दिखेगा कि इस तरह से ये वेबसाइट का जो मटेरियल होता है, जो आर्टिकल पूरा लिखा जाता है वो होता है, लेकिन यहां पर जगह जगह आपने ये देखा होगा ये होती है इस तरह से जो हाईलाइटेड कलर में होते हैं, और यहां पर जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें ये दूसरे पेज पर ले जाती हैं या दूसरे किसी वेबसाइट पर ले जाती हैं। ये देखिए, ये इसी वेबसाइट का पेज है लेकिन दूसरा पेज है, तो इसी को बैकलिंक्स बोलते हैं। ये बैकलिंक्स कई प्रकार से बनते हैं, जैसे इंटरनल बैकलिंक, एक्सटर्नल बैकलिंक्स। तो दोस्तों, एक्सटर्नल का मतलब होता है हम किसी बाहर वाले का यानी किसी अदर वेबसाइट का लिंक अपने आर्टिकल में एंटर करते हैं तो उसको एक्सटर्नल बैकलिंक बोलते हैं, और अगर हम अपने किसी आर्टिकल का अपने ही किसी आर्टिकल में लिंक देते हैं तो उसको इंटरनल लिंकिंग कहते हैं या इंटरनल बैकलिंक्स बोलते हैं। तो दोस्तों, ये होता है बैकलिंक। अब दोस्तों, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, व्हाई बैकलिंक्स आर इंपोर्टेंट। तो ये हमारे लिए क्यों इंपोर्टेंट है, एसईओ में इसका क्या महत्व है। दोस्तों, आपको बता दें, अगर मान लीजिए किसी की शॉप है और आप उसको सजेस्ट करते हो कि आप वहां पर जाइए, वो अच्छी शॉप है, वो बंदा थोड़ी आगे चलता है, वहां पर दूसरा बंदा कोई बोलता है कि आप उसी शॉप पर जाइए, वो अच्छी है, यानी कई लोग उसको सजेस्ट कर रहे हैं, तो वो बंदा जो है, वो कस्टमर जो है, वो ये समझ जाएगा ये शॉप अच्छी है, तभी लोग इसको सजेस्ट करते हैं। ऐसे ही सेम एसईओ का फंडा होता है। अगर मान लो गूगल के क्रॉलर आते हैं तो उस वेबसाइट का या उस आर्टिकल का लिंक उसको कहीं और मिलता है, फिर वो किसी और वेबसाइट पे जाता है तो वहां पर भी मिलता है, तो उससे आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ती है, यानी क्राउलर्स को लगता है कि इस वेबसाइट को या इस पर्टिकुलर आर्टिकल को सब लोग सजेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये अच्छा आर्टिकल है, तो वो उसको अच्छा मानता है और उसकी अथॉरिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे ही हमारे एसईओ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम अपने आर्टिकल में किसी और वेबसाइट का लिंक देते हैं तो वो भी हम सजेस्ट कर रहे हैं किसी और वेबसाइट को, तो वो भी हमारे एसईओ के लिए काफी अच्छा रहता है। तो इसलिए बैकलिंक्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारी वेबसाइट रैंक करती है, उसकी अथॉरिटी बढ़ती है, उसका डीएपीए बढ़ता है और वेबसाइट हमारी गूगल में रैंक करती है। तो इस तरह से बैकलिंक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, अगले टॉपिक पर चलते हैं, वेयर कैन वी क्रिएट। दोस्तों, ये सवाल अच्छा है, हम कहां पर अपनी वेबसाइट का बैकलिंक बना सकते हैं। दोस्तों, बैकलिंक बनाने के लिए तो काफी सारी जगह होती हैं, लेकिन जो एकदम सिक्योर तरीके हैं उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आर्टिकल बैकलिंक, यानी आपके जो अपने आर्टिकल्स हैं, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था, हमने इस पर क्लिक किया था तो हम इसी के दूसरे पेज पर पहुंच गए थे, तो उसको इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं। तो इंटरनल लिंकिंग करना भी बैकलिंक बनाने का एक काफी अच्छा तरीका है, जिससे आप अपने ही आर्टिकल का लिंक अपने किसी दूसरे आर्टिकल में दे सकते हैं। इसके अलावा काफी सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं जो गेस्ट ब्लॉग पोस्ट कराती हैं, तो उनकी वेबसाइट में जाइए, वहां पर एक छोटा सा ब्लॉग लिखिए 100 से लेकर 200 वर्ड का, और उसमें अपना लिंक एंटर कर दीजिए, गूगल उसको क्राउल करेगा तो वहां से उसको आपकी वेबसाइट का बैकलिंक मिलेगा। इसके अलावा
कमेंट्स में काफी लोग बनाते थे, लेकिन अब कमेंट्स में लोगों ने बनाना बंद कर दिया है क्योंकि कमेंट्स के जितने भी बैकलिंक होते हैं उनको गूगल स्पैम मानता है। अगला तरीका है दोस्तों इंटरचेंज बैकलिंक्स। ये तरीका भी काफी अच्छा था लेकिन अब काफी कम लोग इसको पसंद करते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अभी भी ये काफी अच्छा तरीका है। अगर आप अपने आर्टिकल में किसी वेबसाइट का बैकलिंक देते हैं तो उसको भी कहिए कि हमारे किसी आर्टिकल का बैकलिंक अपनी वेबसाइट में दे, जिससे कि उसका भी बैकलिंक क्रिएट होगा और आपका भी बैकलिंक क्रिएट होगा। इसको कहते हैं इंटरचेंज बैकलिंक्स। तो ये भी एक अच्छा तरीका है बैकलिंक क्रिएट करने का। दोस्तों अगला तरीका है सोशल मीडिया बैकलिंक्स। सोशल मीडिया मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब पे भी आप अपनी वेबसाइट के पर्टिकुलर आर्टिकल के लिंक शेयर कर सकते हैं। इससे भी काफी अच्छे बैकलिंक बनते हैं क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनकी जो अथॉरिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है और इससे ट्रैफिक भी काफी अच्छा डाइवर्ट होकर आपकी वेबसाइट पर आ सकता है। अगला दोस्तों यूट्यूब होता है, वो सभी लोग जानते हैं। यूट्यूब पर अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दीजिए, वो भी एक अच्छा बैकलिंक का काम करते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी बात आती है वेबसाइट डायरेक्टरी की। दोस्तों आपने देखा होगा जब आप किसी का नंबर सर्च करते हैं तो वहां पर आपको फोन डायरेक्टरी मिल जाती है, जब आप मेल आईडी सर्च करते हैं तो मेल आईडी की डायरेक्टरी मिल जाती है जिसमें सभी इंपोर्टेंट लोगों की मेल आईडियां सेव होती हैं। ऐसे ही वेबसाइट की डायरेक्टरी होती है जहां पर एक पर्टिकुलर वेबसाइट होती है जहां पर सारी की सारी वेबसाइट्स का डेटा अवेलेबल रहता है, तो उसको भी वेबसाइट डायरेक्टरी बोलते हैं। वहां पर भी आप अपनी वेबसाइट को सबमिट करिए, कितने भी तरह की डायरेक्टरी हो उनमें जाकर अपनी वेबसाइट को सबमिट कीजिए जिससे कि वहां पर एक बैकलिंक क्रिएट हो जाए। तो ये भी काफी अच्छा तरीका है। इसके अलावा काफी सारे तरीके ऐसे हैं लेकिन जो कॉमन तरीके हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। अगर मैं सारे ही तरीके बताऊंगा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अब दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, हाउ कैन वी क्रिएट। दोस्तों ये सवाल बिल्कुल सेम है जो मैंने अभी बताया वेयर कैन वी क्रिएट। तो इसमें हाउ कैन वी क्रिएट का मतलब है हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वर्डप्रेस में दिखाता हूं। देखिए हम वर्डप्रेस पैनल को ओपन करते हैं। वर्डप्रेस पैनल को ओपन करने के बाद जब हम कोई आर्टिकल लिखते हैं अपना, तो उस आर्टिकल में हम अपने दूसरे किसी भी आर्टिकल का बैकलिंक दे सकते हैं। जैसे ये है, ये आर्टिकल है, मैंने यहां पर देखिए बैकलिंक दिया है अपनी होम पेज का, यानी अपनी hinditechnics.com वेबसाइट के होम पेज का लिंक दिया है। तो ऐसे हम क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हमको किसी अपने दूसरी जगह पर दूसरे किसी आर्टिकल का बैकलिंक बनाना है तो हमको उसको सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद यहां पर देखिए लिंक का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करना होता है और यहां पर हमने अपना जो लिंक है, सपोज कीजिए जो कोई भी लिंक है या होम पेज का, मैं मान लेता हूं अपना, मान लीजिए hostinger.com का, हमें यहां पर hostinger.in का बैकलिंक बनाना है तो हम यहां पर जाकर इसमें पेस्ट कर देंगे, उसके बाद एंटर कर देंगे। अगर हमको डू फॉलो नो फॉलो सेट करने हैं तो यहां पर हम इसको डू फॉलो पर क्लिक कर देंगे या नो फॉलो पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर ये सेटिंग हो जाती है। तो इस तरह से हम लिंक लगा सकते हैं। फेसबुक वगैरह की आपको पता होगा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर आप अपना पोस्ट बनाइए, अपनी स्टोरी बनाइए और उसके साथ में अपनी लिंक को अटैच कर दिए। इस तरह से आप वहां पर भी अपना बैकलिंक बना सकते हैं। वेबसाइट डायरेक्टरी में जाकर वहां पर साइन अप का ऑप्शन होता है, वहां पर जाकर आप साइन अप करिए, उसके बाद में अपनी वेबसाइट को सबमिट कर दीजिए। गेस्ट पोस्ट ब्लॉग होते हैं उनमें आपको डायरेक्टली वहां ऑप्शन मिल जाता है, आप उन जो वेबसाइट्स होती हैं उनको ओपन करिए, वहां पर लिखा होता है राइट गेस्ट पोस्ट, उस पर क्लिक करिए, अपनी गेस्ट पोस्ट पूरी लिखिए और उसमें लिंक दे दीजिए। तो बड़ा आसान है बैकलिंक बनाना, कोई ज्यादा स्पेशल चीजें नहीं है उसमें। अब सबसे मेन टॉपिक पर आते हैं, टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स। दोस्तों बैकलिंक्स कितने प्रकार के होते हैं तो आपको बता दें, इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग मैंने आपको बता दिया। वो किसको कहते हैं? इंटरनल कहते हैं अपने ही आर्टिकल का अपने ही आर्टिकल में लिंक देना, और एक्सटर्नल कहते हैं किसी बाहर की वेबसाइट का अपने आर्टिकल में लिंक देना। अब यहां पर बैकलिंक्स कितने प्रकार के होते हैं तो बैकलिंक्स दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, पहला डू फॉलो और दूसरा नो फॉलो। हम किसी भी बैकलिंक को क्रिएट करते हैं तो वहां पर डू फॉलो बैकलिंक बनता है ऑटोमेटिक, लेकिन उसको अगर हमें नो फॉलो करना है तो उसके लिए हमको यहां पर टिक लगाना होता है। जैसे हम यहां पर आते हैं और लिंक पर क्लिक करते हैं, सेटिंग में जाते हैं, तो हमको यहां पर नो फॉलो पर क्लिक करना होता है। अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो वो नो फॉलो बैकलिंक बन जाता है। तो ये होते हैं दो तरह के बैकलिंक्स, पहला डू फॉलो और दूसरा नो फॉलो। दोस्तों डू फॉलो और नो फॉलो में क्या डिफरेंस है ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले डू फॉलो का मतलब होता है अगर आपकी वेबसाइट का
लिंक किसी और वेबसाइट में है और वहां पर क्राउलर विजिट करता है तो वो उसके आर्टिकल को विजिट करेगा, उसके आर्टिकल को क्राउल करेगा और उसको आपका लिंक वहां पर मिलेगा, वो उसको भी क्राउल करेगा। तो इसको कहते हैं डू फॉलो बैक लिंक, यानी क्राउलर वहां पर उसके आर्टिकल से आपके आर्टिकल में ट्रांसफर होगा और साथ में आपके आर्टिकल को भी क्राउल करके जाएगा, तो उसको डू फॉलो बैक लिंक बोलते हैं। नो फॉलो बैक लिंक वो होता है सिर्फ वहां पर आपके आर्टिकल का लिंक है लेकिन उसको क्राउलर क्राउल नहीं करेगा, सिर्फ यूजर्स के लिए है। जो भी उसके आर्टिकल पे बंदा आएगा वो आपके वेबसाइट को ओपन करेगा, आपके लिंक को ओपन करेगा और आपकी वेबसाइट को पढ़ के उसके बाद उसको काट देगा। इसमें क्राउलर का कोई भी सीन नहीं होता, लेकिन डू फॉलो में क्राउलर आपकी आर्टिकल को भी विजिट करके जाएगा। तो दोस्तों ये होता है टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स। इसके अलावा दोस्तों बैकलिंक को लेकर कोई भी सवाल आपका मन में है हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।